हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि अगर आप फेस ड्रॉ कर रहे हो तो उसको कोई भी डायरेक्शन में ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, उसके बेसिक डायमेंशंस, और कोई भी डायरेक्शन में अगर आपको फेस दिखाना है तो उसको आप कैसे दिखाएंगे, वो हम सीखेंगे आज। और उससे पहले आप मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आगे के एक ट्यूटोरियल में आपको बेसिक फेस ड्रॉ करना सिखाया हुआ है। तो इसमें बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि आपको ये पता चले कि अलग अलग डायरेक्शन में कैसे फेस ड्रॉ करते हैं। तो उसे एंड्रूज लूमी मेथड कहते हैं। अभी ये मेथड से हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो जैसे कि अगर फ्रंट फेस है, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, जैसे कि मैंने अपने एक आगे के वीडियो में समझाया हुआ है। और ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके कुछ इस तरह से मैंने ये बेसिक फेस का शेप बनाया था, ठीक है। अभी अगर साइड फेस है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो साइड फेस के लिए देख लीजिए कि मैंने सर्कल बनाया, ठीक है। अभी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है कि वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं नीचे तक। अभी क्या आएगा कि यहाँ से जो है यहाँ तक आएगा फेस, और ये जो है यहाँ से कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर साइड फेस आप बना सकते हो, यहाँ पे जो है वो कान का हिस्सा आएगा, ठीक है। अभी दूसरी साइड, जैसे ये साइड का बना है उस साइड का, तो मतलब ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अभी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बना दी, यहाँ से ये पॉइंट से तकरीबन स्ट्रेट लाइन ही बनानी है, और दूसरे पॉइंट से ऐसे जाके उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये जैसे ये है, तो यहाँ से ऐसे लेके ये लाइन जहाँ पे है वहाँ से हमारा ऐसे नोज स्टार्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ से ऐसे मुँह आ जाएगा। इधर से भी सेम, यहाँ से नोज स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से जैसे ये मुंह आ जाएगा, ठीक है। अगर सामने है तो यहाँ पे तो आपको पता ही है, मैंने आगे सिखाया हुआ है कि ऐसे नोज आएगा और ये आँखें ऐसे आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो पता ही है आपको कैसे ड्रॉ करना है। अभी एक है कि ऐसे इस डायरेक्शन में, ये तो ये इस डायरेक्शन में देख रहा है, इस डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है। तो ये दो डायरेक्शन हो गई। अभी क्या है कि हमें ये वाले डायरेक्शन में देखता हुआ फेस बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी जिस डायरेक्शन में देख रहा है वहाँ पे लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी वो डायरेक्शन में देख रहा है तो कुछ इस तरह से उसका फेस कुछ ऐसा होगा, यहाँ से कुछ इस तरह होगा। तो यहाँ से उसके जो है नाक आ जाएगी, यहाँ से जो है मुंह आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है कान का हिस्सा आ जाएगा, जो ऊपर की तरफ देखता हुआ फेस आ जाएगा। अभी उसी तरह से अगर आपको कोई भी नीचे की डायरेक्शन में देखता हुआ बनाना है तो सेम मेथड से सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अभी ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से स्ट्रेट जैसी लाइन आएगी और यहाँ से उसको कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से जो है नाक आ जाएगी, यहाँ से जो है मुंह आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है कान का हिस्सा आ जाएगा। तो ये वाली डायरेक्शन में हो गया, ये सारी डायरेक्शन हमने कवर कर ली। अभी कुछ जगह पे क्या होता है कि एग्जैक्टली साइड फेस नहीं होता है, कुछ जगह पे एंगल पे फेस होता है। तो उसको हम कैसे बनाएंगे कि मान लीजिए कि ये डायरेक्शन में देख रहे हैं पर फेस एंगल में है, तो कैसे बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से सबसे पहले आपको एक राउंड ड्रॉ कर देना है। अभी इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइनें नहीं आएगी, पहले एक उसके अंदर और एक गोल आएगा कुछ इस तरह से, उसको टच होते हुए, ठीक है।
अभी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से कुछ इस तरह से ये आएगी लाइन, यहाँ से आएगी दूसरी लाइन, ठीक है। अभी क्या करेंगे कि ये दोनों लाइन को कुछ इस तरह से कनेक्ट करना होगा, ठीक है। अभी जो यहाँ का जो पॉइंट है वहाँ से इसको डायरेक्टली हम कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे कान आ जाएगा, फिर यहाँ पे जैसे कि आंखें है, ठीक है, तो आंखों से ऐसे कुछ इस तरह से ऐसा फेस आ जाएगा, ये नाक हो गई, तो इस तरह से ये डायरेक्शन में देखता हुआ फेस आ जाएगा। पर आप यहाँ देखिए कि ये ऐसे साइड फेस नहीं है फुल्ली, ये ऐसे एंगल पे फेस है कि दोनों आंखें दिख रही है। यहाँ पे क्या होगा कि एक एक ही आंख दिखेगी आपको, ऐसे एक ही आंख दिखेगी, ठीक है, यहाँ पे दोनों आंखें दिख रही है। तो ऐसा ही फेस आप कोई भी एंगल पे बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इस साइड देखते हुए एंगल का बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करेंगे कि सेम सर्कल बना दिया, ठीक है, अभी ये साइड के एंगल पे देख रहा है, तो यहाँ पे मैं ऑपोजिट साइड पे एक सर्कल मार्क कर दूंगा, ठीक है। अभी क्या करूँगा कि यहाँ से होती हुई ये लाइन, यहाँ से होती हुई लाइन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। अभी यहाँ से इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे जो है आंखें आ जाएगी, यहाँ से जो है नाक आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से ये डायरेक्शन में देखता हुआ फेस बन जाएगा। तो इसी तरह से आप अलग अलग डायरेक्शन में देखते हुए फेस बना सकते हैं, और ये जो सारे फेसेस है वो उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको जब भी पोर्ट्रेट बनाना आएगा, कोई भी डायरेक्शन में बनाना होगा, तो आप आसानी से बना पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको सिर्फ मेजरमेंट देखना रहेगा, एंगल का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसी तरह से आप सारे पोर्ट्रेट बना पाएंगे। तो कुछ इसी तरह से आप ये बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।